ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो बहुत ज्यादा महान रहता है, और एक दिन उस राजा को किसी काम से अपने राज्य के बाहर जाना रहता है। राजा को एक जहाज से जाना रहता है क्योंकि वहां पे पैदल जाने का कोई सोर्स नहीं था। राजा इतना ज्यादा दयालु और महान था इसीलिए पूरा गांव उससे खूब सारा प्यार करता था। इसीलिए जब राजा वहां से जा रहा होता है तो पूरा गाँव उसे छोड़ने के लिए आता है, और जब राजा अपने जहाज पे चढ़ने ही वाला होता है तुरंत ही भीड़ में से एक आदमी आके राजा को ये कह के जाता है कि राजा जी आपको जंगल में एक 2 फुट का आदमी मिलेगा जो कि आपको चुनौती देगा उससे लड़ने के लिए, लेकिन आप उससे लड़ के उसको पराजित करके उसको जान से मार डालिएगा। और उसकी ये बात सुन के राजा अपने जहाज पे चले जाते हैं और फिर जहाज वहां से रवाना हो जाता है। और वहां पे जब राजा पहुंचते हैं तो उस जंगल में उन्हें सच में एक 2 फुट का आदमी मिलता है जो कि राजा को चुनौती देता है उनसे लड़ाई करने के लिए। राजा उसकी चुनौती स्वीकार करके उससे लड़ाई करते हैं और अंत में आसानी से उसे हरा देते हैं। लेकिन जब बात आती है उसे मारने की तो राजा कहते हैं कि तुझे जान से मारने से मेरी कोई महानता नहीं है, और ऐसा कहके राजा आगे बढ़ जाते हैं। 2 दिन बीतने के बाद राजा से फिर वही आदमी मिलता है, लेकिन अब वो 2 फुट का नहीं बल्कि 4 फुट का हो जाता है और फिर से राजा को ललकारता है। राजा फिर उसे हरा देते हैं लेकिन उसे जान से नहीं मारते क्योंकि कहते हैं कि तुम्हें मारने में मेरी कोई महानता नहीं है, और ऐसा कहके राजा फिर से आगे बढ़ जाते हैं। और उस दिन के ठीक 2 दिन बाद वह आदमी राजा से फिर मिलता है, लेकिन अब वो 4 फुट का ना होके 6 फुट का हो जाता है। वह फिर से राजा को ललकारता है और राजा फिर उससे लड़ाई करते हैं, लेकिन इस बार राजा के लिए इतना आसान नहीं था उसे हरा पाना, लेकिन अंत में राजा ही जीतते हैं। लेकिन इस बार फिर राजा उसे जान से नहीं मारते, और ऐसा कई बार करने पे राजा हमेशा जीत जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा जरूर आता है जब वो आदमी राजा से भी बड़ा रहता है और शक्तिशाली रहता है, और इस बार जब वो आदमी राजा को ललकारता है तो राजा थोड़ा झिझकते हैं उसकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि राजा को ये बात पता थी अगर मैं इससे लड़ाई करता हूं तो हो सकता है मैं इससे ना जीत पाऊं। लेकिन राजा तो महान थे, वह उसकी चुनौती को स्वीकार करते हैं और जैसे तैसे करके राजा उसमें जख्मी हो जाते हैं, राजा का हाथ टूट जाता है, लेकिन अंत में उस व्यक्ति को हरा देते हैं। लेकिन इस बार राजा उस व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ते, राजा उसे मौत के घाट उतार देते हैं, और उसके बाद वह व्यक्ति कभी नहीं आता है राजा के सामने। ऐसी ही होती है हमारी जिंदगी की मुसीबत, अगर सही समय पे हम उसका जड़ से उपाय नहीं करते हैं तो वही छोटी सी प्रॉब्लम हो सकता है हमें भविष्य में एक बहुत बड़े रूप में हमें तकलीफ दे। इससे अच्छा हमें उस प्रॉब्लम को चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो प्रॉब्लम आज आपके लिए छोटी हो कल ना हो, या हो सकता है वही छोटी प्रॉब्लम की वजह से आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। इसीलिए दोस्तों अगर आप भी छोटी मोटी प्रॉब्लम को अवॉइड कर देते हैं तो ऐसा मत करिए, उसका जड़ से उपाय करना जरूरी है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जानना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है। और आज के लिए बस इतना ही था, अगर आप ये वीडियो YouTube पे सुन रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप ये वीडियो Instagram पर सुन रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अभी के लिए शाइनिंग ऑफ मोटिवेशन लाइट।